नमः शिवाय। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है फूड फॉर मोड्स में। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी हरे मटर की पूड़ी, साथ में आलू टमाटर की सब्जी। तो चलिए हम सबसे बनाते हैं मटर की फिलिंग, जो पूड़ी में हमें भरना है। इसके लिए मैं यहाँ ले रही हूँ लगभग 2 से 3 चम्मच ऑयल है, जिसमें मैं डाल रही हूँ थोड़े से जीरे और बारीक कटी हुई हरी मिर्च, साथ में थोड़ी सी हींग। हींग इसलिए डालते हैं कि यहाँ पर हमें मटर के डाइजेशन में हेल्प होती है। अब इसमें मैं बॉइल्ड मटर ले रही हूँ, आप चाहें तो पीसा हुआ मटर भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ उबले हुए मटर ले रही हूँ। इसे अच्छे से भून लेते हैं। भूनने के बाद नमक डालते हैं, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें। साथ में हम इसमें थोड़ा सा इसे और कुक करने के लिए कवर करके पका लेते हैं। इसमें डालते हैं कूटा हुआ धनिया और कूटी हुई सौंफ, चाट मसाला, साथ में थोड़ी सी लाल मिर्च। इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर लें और एक पोटैटो मैशर से इसे मैश कर लें। आप चाहें तो मिक्सर ग्राइंडर में भी मिक्स कर सकते हैं। गार्निशिंग के लिए हम धनिया लेते हैं, इसे हम ठंडा होने देते हैं। और चलिए अब बनाते हैं आलू टमाटर की सब्जी। चलिए हम बनाते हैं आलू टमाटर की सब्जी। आप दिखाए गए इंग्रेडिएंट से अपने फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये सब्जी मैं बना रही हूँ मस्टर्ड ऑयल में, लगभग 3 से 4 चम्मच ऑयल लिया है मैंने। साथ में जीरा है और थोड़ी सी राई, हरी मिर्च और बहुत ही थोड़ा सा हींग, कटे हुए प्याज है। इन सबको अच्छे से भून लेते हैं। प्याज को काफ़ी अच्छे से भूनना चाहिए। प्याज भूनने के बाद हम इसमें डालते हैं बारीक चॉप टोमेटो और उसे पका लेते हैं। थोड़ी सी हल्दी, धनिया और लाल मिर्च पाउडर, साथ में सब्जी मसाला, इन सबको मिलाकर अच्छे से भून लीजिए। आप चाहें तो इसमें जीरा पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और 8 से 10 उबले आलू हैं जो मैं इसे भी मैं भूनूंगी। क्या कच्चे आलू को अच्छे से भूनें तो उसकी सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आलू को काफ़ी अच्छे से स्पून से ना मैश कर दें, जिससे इसकी सब्जी की ग्रेवी अच्छी बनती है। क्योंकि हमने इसमें पिसा हुआ लहसुन प्याज नहीं डाला है तो इसकी ग्रेवी थोड़ी पतली हो सकती है, इसलिए आलू को मैश कर लें। साथ में गार्निशिंग करें धनिया से। धनिया थोड़ा सा पकते समय भी डालें और थोड़ा सर्व करते समय भी डालें। पूड़ी का डो तैयार कर लेते हैं। डो के लिए मैंने लिया है यहाँ पर लगभग 2 कप आटा है, साथ में अजवाइन, नमक और थोड़ा सा तेल। इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेते हैं। अब हम इसकी साइड ड्रेसिंग बनाते हैं दही से। दही में मैंने लिया है नमक, साथ में लाल मिर्च, थोड़ा जीरा पाउडर और बारीक कटी हुई प्याज और धनिया की पत्ती। आप चाहें तो हरी मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। टमाटर की पूड़ी की फिलिंग, साथ में आलू टमाटर की सब्जी और साइड ड्रेसिंग दही का सलाद हमारा तैयार है। अब हम बनाते हैं मटर की पूड़ी। सब्जी को फाइनल एक बार चेक कर लीजिए, इसकी ग्रेवी चेक कर लीजिए, बहुत थिक तो नहीं है या बहुत थिन तो नहीं है। अब हम पूड़ी के लिए एक दूसरी कढ़ाई में तेल गरम कर लेते हैं। मटर को स्टफ करके छोटी छोटी पूड़ियाँ बना लें। ध्यान दें कि बहुत ही मोटी और बहुत ही पतली ना हो, मटर मसाला हमारा पकने ना पाए। ऐसे ही सभी पूड़ियों को हम बना लेते हैं। पूड़ी को तलते समय ध्यान दें, तेल हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए, ठंडे तेल में पूड़ियाँ अच्छी नहीं बनती हैं। और टेम्परेचर आप मेंटेन रखें, ये पूड़ियाँ बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी बनेगी। इसी तरह सभी पूड़ियों को हम तल लेते हैं और हमारी ये डिश मटर की पूड़ी साथ में आलू टमाटर की सब्जी बनकर तैयार है। इसका आप आनंद लें, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही टेस्टी ये सब्जी और पूड़ी बनी हुई है। आपको मेरी ये डिश पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। थैंक यू। क्या क्या शानदार लग रही है, बहुत ही क्रिस्पी है और इसका टेक्सचर बहुत टेस्ट, देखने में बहुत अच्छी लग रही है और बहुत टेस्टी है। सच मानिए, इसको आप ज़रूर ट्राई करिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।
That was a mouth-watering recipe. I hope you like that. Do give it a try and we would love to hear your feedback. You can follow us on Instagram and Facebook. Links are down below. And don't forget to like, subscribe and share. Thank you.